हेलो हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार सर। अच्छा साथियों, मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आईआईटी मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है। यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया, और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूँ, इस बारे में बताइए। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। जी, मेरा नाम सुयश है। हम लोग साथ में, जैसा आपने बोला, सब लोग साथ में आईआईटी मद्रास में मिले। वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग ईयर्स में थे अपने इंजीनियरिंग के। और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपरलूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे। उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत की, उसका नाम था आविष्कार हाइपरलूप, जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए। उस साल हम एशिया की इकलौती टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हमने फहराया। और हम टॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए, आगे सुनने से पहले इसके लिए तो बधाई दे दूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी उपलब्धि के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई और इस तरीके के कठिन प्रोजेक्ट्स और टफ प्रोजेक्ट्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया। और उसी दौरान स्पेसएक्स को देख के और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को, जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया, उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे। और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है। जी, तो मेरा नाम रक्षित है और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा मैं इसका उत्तर दूंगा। रक्षित, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं? सर, अल्मोड़ा से हूँ। तो बाल मिठाई वाले हैं आप। जी सर, जी सर, बाल मिठाई हमारी फेवरेट है। वो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना, वो मेरे लिए रेगुलरली बाल मिठाई खिलाता रहता है मुझे। हाँ रक्षित, बताइए। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं। और ये जो डेटा हमें आएगा, इसका उपयोग हम दो क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना। हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशंस हैं, सीज हैं, उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए, जो अंतरिक्ष से उनके पॉन्ड्स के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है 1/10 ऑफ द करेंट कॉस्ट में। और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे, इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें। इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी, जय किसान भी करेगी। जी सर, बिल्कुल। साथियों, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है। सर, हम less than 50 cm के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली more than 300 square km एरिया को इमेज कर पाएंगे। चलिए, मैं समझता हूं कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा, लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर, स्पेस इकोसिस्टम बहुत ही वाइब्रेंट हो रहा है, अब आपकी टीम इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? मेरा नाम किशन है। हमने ये गैलेक्सी शुरू होने के बाद से ही हमने इन स्पेस आते हुए देखा है और काफी सारे पॉलिसीज आते हुए देखे हैं, ये जैसे कि जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी एंड इंडियन स्पेस पॉलिसी। और हमने पिछले 3 साल में काफी बदलाव आते हुए देखा है और काफी प्रोसेसेस और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी फैसिलिटीज इसरो के ये अवेलेबल और काफी अच्छे तरीके से हुए हैं। जैसे कि हम इसरो में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे हार्डवेयर का, ये काफी आसान तरीके से अभी हो सकता है। 3 साल पहले वो प्रोसेसेस उतने नहीं थे और ये काफी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए और काफी और स्टार्टअप्स के लिए भी। और रिसेंट FDI पॉलिसीज की वजह से
और ये फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी की वजह से और स्टार्टअप्स को आने के लिए काफी इंसेंटिव है, और ऐसे स्टार्टअप्स आके काफी इजीली और काफी अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं ऐसी फील्ड में जिसमें यूजुअली डेवलपमेंट करना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग रहता है। बट करंट पॉलिसीज और इनस्पेस के आने के बाद काफी चीजें आसान हुई है स्टार्टअप्स के लिए। मेरे मित्र डेनिल चावड़ा भी इस पे कुछ और बोलना चाहेंगे। डेनिल बताइए। सर, हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया है, हमने देखा है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनकी सोच में बदलाव देखा है। वो पहले बाहर जाके हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते थे और वहां काम करना चाहते थे और स्पेस डोमेन में, बट अब क्योंकि इंडिया में स्पेस इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है तो इस कारण वो लोग इंडिया वापस आके इस इकोसिस्टम के पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये काफी अच्छा फीडबैक हमें मिला है और हमारे खुद की कंपनी में कुछ लोग वापस आके काम कर रहे हैं इसी वजह से। मुझे लगता है कि आपने दोनों जो पहलू बताए हैं, किशन ने और डेनिल दोनों ने, मैं जरूर मानता हूं कि बहुत से लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा कि एक क्षेत्र में जब रिफॉर्म होता है तो रिफॉर्म का कितने मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, कितने लोगों का लाभ होता है। और जो आपके वर्णन से, और क्योंकि आप उस फील्ड में हैं तो आपको ध्यान में जरूर आता है और आपने ऑब्जर्व भी किया है कि देश के नौजवान अब इस फील्ड में यहीं पर अपना भविष्य अजमाना चाहते हैं, अपने टैलेंट का उपयोग करना चाहते हैं। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्टार्टअप्स और स्पेस सेक्टर में सफलता हासिल करना चाहते हैं? मैं प्रणित बात कर रहा हूँ और मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। हाँ प्रणित बताइए। सर, मैं अपने कुछ सालों के एक्सपीरियंस से दो चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली इज, अगर अपने को स्टार्टअप करना हो तो यही मौका है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया आज वो देश है जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जैसे मैं 24 साल की उम्र में ये सोच के प्राउड फील करता हूँ कि अगले साल हमारी एक सैटेलाइट लॉन्च होगी जिसके बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट कुछ मेजर डिसीजन लेगी और उसमें हमारा छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसी कुछ नेशनल इम्पैक्ट की प्रोजेक्ट पे काम करने को मिले, ये ऐसी इंडस्ट्री और ये ऐसा टाइम है गिवन कि ये स्पेस इंडस्ट्री आज अभी तो स्टार्ट हो रही है। तो मैं अपने युवा दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ इम्पैक्ट की बट ऑल्सो उनके खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ की और एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने की है। तो हम आपस में यही बात करते हैं कि बचपन में हम ये बोलते थे कि बड़े होकर एक्टर बनेंगे, स्पोर्ट्समैन बनेंगे या ऐसे कुछ चीजें होती थी, बट आज अगर हम ये सुने कि कोई बड़ा होके ये बोलता है कि मुझे बड़ा होके एंटरप्रेन्योर बनना है, स्पेस इंडस्ट्री में काम करना है, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटा सा पार्ट प्ले कर पाए। साथियों, एक प्रकार से प्रणीत, किशन, डेनिल, रक्षित, सुयस, जितनी मजबूत आपकी दोस्ती है उतना ही मजबूत आपका स्टार्टअप भी है, तभी तो आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। मुझे कुछ साल पहले आईआईटी मद्रास जाने का अवसर मिला था और मैंने उस संस्थान के एक्सेलेंस को खुद अनुभव किया है, और वैसे भी आईआईटी के संबंध में पूरे विश्व में एक सम्मान का भाव है और वहां से निकलने वाले हमारे लोग जब भारत के लिए काम करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप सभी को और स्पेस सेक्टर में काम करने वाले दूसरे सभी स्टार्टअप्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप पांचों साथियों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।